अब बात करेंगे अंबरनाथ पुलिस की, जहां पर दो मनचले युवकों ने पुलिस को चकमा देकर ये कोशिश की कि बम से उन्हें हड़का दिया जाए। मुंबई से सटे अंबरनाथ की रेलवे पुलिस ने दो ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने रात को 8:30 बजे रेलवे की हेल्पलाइन पर कॉल करके अंबरनाथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बैग में विस्फोटक यानी बम होने की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और बम शोधक पथक और डॉग स्क्वाड पथक के साथ करीब 150 पुलिसकर्मियों ने कल्याण, अंबरनाथ, बदलापुर सहित आसपास के सभी प्लेटफॉर्म का कोना कोना छान मारा, मगर उन्हें कहीं बम नहीं मिलने के कारण उन्हें लगा कि किसी ने फेक कॉल करके पुलिस को परेशान किया है, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल करने वाले की जाँच की और अतुल प्रजापति और प्रदीप प्रजापति दोनों की उम्र 22 साल और 21 साल बताया जा रहा है। उन दोनों को कलबा शहर से गिरफ्तार किया गया जिन्होंने अपना जुर्म कबूल किया और कहा कि वे कलबा से अंबरनाथ अपने रिश्तेदार के घर आए हुए थे और लौटते समय उन्होंने शरारत में पुलिस को परेशान करने के लिए कंट्रोल में कॉल करके बम होने की जानकारी दी, जो बाद में अफवाह साबित हुई। रात्रि 12:30 अंबरनाथ स्टेशनला एका इस्माच्या बॅगेत बॉम्ब आहे असा थ्रेट कॉल ठाणे पोलीस कंट्रोल रूमला प्राप्त झाल्यानंतर त्याची माहिती रेल्वे पोलीस स्टेशन कल्याण येथे मिळाल्यावर ठाणे शहर, अंबरनाथ शहर, RPF, GRP या सर्वांनी मिळून सुमारे 5 तास अंबरनाथ स्टेशनची पूर्ण तपासणी केली। काही एक संशयास्पद वस्तू किंवा व्यक्ती मिळून आली नाही। ज्या व्यक्तीने कंट्रोल रूमला कॉल केलेला होता त्याच्या मोबाईल नंबरच्या आधारे त्याचा शोध घेतला असता प्रदीप प्रजापती आणि अतुल प्रजापती नावाचे दोन मित्र कळवादिघा परिसरात राहणारे यांना चौकशी कामी ताब्यात घेतलेले आहे। त्यांनी सदरचा कॉल कंट्रोल रूमला खोडसाळपणाने आणि जनतेमध्ये भय अशांतता निर्माण व्हावी या उद्देशाने केला असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याविरुद्ध खोटा कॉल केल्याबद्दल, खोटी माहिती दिल्याबद्दलचा गुन्हा दाखल करून त्यांना सदर गुन्ह्यामध्ये काल